हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट पिंकीज वेंचर। वेल फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ और एक डिफरेंट सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है आप सबके लिए। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे चैनल पे अभी न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके पास बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी ना, आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा एंड आप सबसे पहले ही मेरा वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ना, अभी समर आ गया है, तो समर में ना हमारा बॉडी को, हमारा हेयर को, हमको बहुत ज्यादा ही केयर करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आज आपको शेयर करूंगी टॉप 15 प्रोडक्ट जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा ये समर में, एंड आप बहुत इजीली कुछ भी नहीं सोच के ये सारे जो प्रोडक्ट को आप इजीली यूज कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, सिर्फ 15 प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देके, बहुत ज्यादा सोच के मैं आपके लिए चूज किया हूँ, ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी होगा ये समर में यूज करने के लिए, एंड बहुत ज्यादा ही इसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा ये अच्छा भी है। तो मैं आपको दिखा दूं, इसमें एक एक करके अभी दिखाती हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बिग थम्स अप भी देना मत भूलना, एंड आप ये वाला ब्लॉग को बहुत ज्यादा ही शेयर करना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ व्हाइट वाइप्स है। जैसे कि ना समर में बहुत ज्यादा ऑयल क्रिएशन होता है एंड बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी होता है, तो हम मेकअप करते हैं या फिर हमारे मेकअप को रिमूव करने के लिए ना, ये जो वेट वाइप से बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। आप अगर कहाँ बाहर भी जाते हो ना, आप इसको इजिली लेके कैरी कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, गुड वाइप्स का वनीला फेस वॉश है। ये मैंने बहुत सारा टाइम आपको दिखा दिए हैं ये जो फेस वॉश है, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल का ये है। जैसे कि समर में हमारा फेस में बहुत ज्यादा ऑयल रिक्रिएशन होता है, बहुत ज्यादा ही स्वेटिंग होता है, बहुत ज्यादा डॉट होता है, पॉल्यूशन होता है, ये सारे ही हमारा फेस को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। तो इसकी वजह से ना ये जो फेस वॉश है ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, हमारा फेस को ग्लो करने के लिए, हमारा फेस का जो सनबर्न है, जो सारा डॉट है, ये सारे को रिमूव करने के लिए। तो ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है, आप इसको जरूर ही परचेज कर लेना। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये वनीला ऑयल कंट्रोल फेस मास्क, ये है गुड वाइब्स का ये है, एंड ये सारे का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजीली इसको जाके परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो ऑयल कंट्रोल फेस मास्क है, जैसे कि पता है समर में बहुत ज्यादा ही ऑयल होता है, तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए मास्क भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, ये गुड वाइब्स का ही ये है वनीला ऑयल कंट्रोल। आपके पास जो भी ब्रांड का है आप इसको ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि ये जो सारे है समर में बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है, तो इसीलिए आप जो भी ब्रांड का इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ, गुड वाइब्स का है, मेरे ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप ऑयल कंट्रोल का कुछ फेस मास्क वॉश करते हैं तो आप इसको जरूर ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड ये एक्चुअल में ही ये काम करता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ये ना नीम एंड तुलसी का ये जेल है मॉइस्चराइजिंग। जैसे कि विंटर में हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं एंड समर में हम जेल यूज करते हैं, ये एक्चुअली जेल है एंड इसका जो क्वांटिटी ये है 100 ग्राम का ये है, एंड आप जैसे कि देख सकते हैं ये गुड वाइब्स का ये है, एंड ये ना नो पाराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री, नो मिनरल ऑयल इसमें है, जो कि फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो समर में ना हमेशा हमारा फेस के लिए हमको एक जेल बेस्ड क्रीम ही चाहिए जो फेस को ग्लो करने के लिए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक जेल ये है नीम एंड तुलसी का, जिसका भी पिंपल स्किन है, जिसके भी नॉर्मल भी स्किन में भी आप इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है, जैसे कि हम मेकअप करते हैं, मेकअप करने से पहले ना हमारा फेस को एक सीरम ही चाहिए, तो सीरम के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ गुड वाइब्स का ये है मलबेरी एंड टी ट्री ऑयल कंट्रोल सीरम ये है। आपके पास जो ब्रांड का है सीरम आप ऑयल कंट्रोल का ही लेना, ताकि फेस में बहुत ज्यादा ऑयल भी क्रिएशन नहीं होगा, फेस इतना ज्यादा चिपचिपा। जैसे कि मैं आज मेकअप थोड़ा सा किया हूँ एंड मेकअप करने से पहले मैं ना ये टी ट्री का ही इसको ही यूज किया हूँ, एंड मेरा फेस का कंडीशन जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत
मतलब ऑयल, कुछ भी ऑयल इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा ये अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना, एक्चुअली ना क्या होता है, समर में ना हमको नहाने के लिए ना फ्रेश फ्रेश वाटर भी चाहिए, फ्रेश फ्रेश एक शावर जेल भी चाहिए होता है। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे यूज करती हूँ गुड वाइब्स का ये लैवेंडर एंड मिंट का रिफ्रेशिंग शावर जेल है, जो कि बहुत ज्यादा ही ये रिफ्रेशिंग फील करता है। आप इसको बेसिकली समर में ही इसको यूज करना, आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगा, स्मूथ लगेगा, रिफ्रेशिंग लगेगा, कूल लगेगा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। मैं आपको ये बताती हूँ ये गुड वाइब्स का रिफ्रेशिंग लैवेंडर एंड मिंट शावर जेल आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये ना समर के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। एंड आप सब कुछ चाहते हैं कि आप भी दूसरा कुछ ब्रांड का भी ले सकते हैं, बट रिफ्रेशिंग ही होना चाहिए, क्योंकि समर में हमको नहाने के लिए ना थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो गाइस, नेक्स्ट वन जो मैं आपको दिखाऊंगी ना सनस्क्रीन। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं कि समर में हमको कौन सा वाला सनस्क्रीन लेना चाहिए ताकि हमारा फेस का जो सनबर्न कुछ भी नहीं होगा। जो गाइस आप बाहर जाओ या फिर घर में रहो, सन प्रोटेक्शन के लिए ना हमको सनस्क्रीन बहुत ज्यादा ही जरूरत होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि लोटस हर्बल का सनसेफ स्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा स्मूदिंग मैट लुक एंड ऑयल कंट्रोल ऑयली स्किन के लिए ये है, बहुत ज्यादा ये है, ये मैट जेल ये है, यूवी स्क्रीन मैट जेल ये है, अल्ट्रा स्मूदिंग मैट लुक एंड ऑयल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। एंड ये पीए ट्रिपल प्लस यूवी है, एसपीएफ 50 यूवी बी है। अपना सनस्क्रीन परचेज करने से पहले, जो भी सनस्क्रीन आपको लेना है उसमें से पहले आपको देखना है कि ये ऑयल कंट्रोल है कि नहीं। सपोज आपकी ऑयली वाला फेस है, आपका सपोज ड्राई वाला स्किन है, तो आप मिटेक्सर का ले सकते हैं, बट देखिए मेरा ऑयल वाला फेस है तो इसलिए मैंने ऑयल का ही लिया हूँ। एंड और एक बात है, एसपीएफ 50 से ऊपर ही आपको लेना है ताकि बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लोटस का तो मैं बहुत दिन से ही इसको यूज किया हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सपोज अच्छा सा सनस्क्रीन परचेज करना है तो आपको ये लोटस का ही लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मैं आपको एक और एक इसेंशियल प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है समर में। सो गाइस यू कैन सी, ये निविया का डिओड्रेंट ये है, व्हाइटनिंग सेंसिटिव डिओड्रेंट, ये हमको बहुत ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है अंडर आर्म को, बहुत टाइम के लिए गंदा स्मेल आता है ना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से गंदा वाला स्मेल आता है तो उसको भी वो रिमूव कर देता है एंड बहुत ज्यादा स्वेट भी नहीं होता है। एंड ये सच में ही 48 आवर्स के लिए ही ये रहता है, इसका जो स्मेल है, इसका जो प्रोटेक्शन है, एंड ये व्हाइटनिंग भी बनाता है हमारा अंडर आर्म को ना, ये व्हाइटनिंग भी बनाता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है, आप भी इसको जरूर यूज कर सकते हैं। हम तो समर में ना हमको सारे जो चीज है यूवी प्रोटेक्शन से ही रहना ही चाहिए। फेस का तो मैंने दिखा दिया है क्या लगाना है सनस्क्रीन, एंड बॉडी में भी हम जो भी अप्लाई करेंगे ना बॉडी लोशन, वो भी यूवी प्रोटेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि बॉडी पे भी सन का जो रेज है वो भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ गुड वाइब्स का ये सिया बटर डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है, इसमें से एसपीएफ 24 यूवीबी है, पीए ट्रिपल प्लस यूवीए है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके पास जो भी ब्रांड का है, लोटस का है या फिर जो भी ब्रांड का, आप ले सकते हैं बॉडी लोशन आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए। मैं बस आपको यहाँ पे दिखा दिए कि ये जो बॉडी लोशन है आपको यूवी वाला ही लेना है ताकि बॉडी में टैनिंग वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो आपको दिखाओगी बहुत जरूरत की ही चीज ही है, इसेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि समर में ना क्या होता है, हमारा हेयर तो वॉश तो करते हैं रोज, दो दिन में एक बार ही तो हम करते हैं, बट क्या होता है ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से हमारा हेयर जो नीचे है आगे है ये सारे बहुत ज्यादा स्वेट होता है, पूरा गीला हो जाता है, तो इसके वजह से ना हमारा हेयर जो चिपचिपा जो ऐसे लगता है। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे यूज करती हूँ ये स्ट्रेक्स का हेयर सीरम है। आप सपोज कहाँ बाहर भी जाते हो तो स्वेटिंग होने से पहले ही आपको ये स्ट्रेक्स का लगा देना है ताकि आपकी हेयर जितना भी स्वेट हो इतना ज्यादा खराब स्मेल भी नहीं होगा एंड आपको हेयर भी इतना ज्यादा क्या पेची नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये स्ट्रेक्स का ही ये यूज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हो सीरम, मैं तो ये इसको ही यूज करती हूँ एंड मुझे ये 100% रिजल्ट भी मिलता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है समर में। सो गाइस नेक्स्ट वन जो मैं आपको दिखाती हूँ ये एक मिनीसो का ये बॉडी मिस्ट ये है। आप जो भी ब्रांड का बॉडी मिस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि समर में ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से हमारा बॉडी में जो भी हम परफ्यूम लगाते हैं जो है ना 24 आवर के लिए नहीं जाता है, बहुत टाइम के लिए नहीं टिकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही स्वेटिंग होता है एंड धूप में ना ये सारे का जो फ्रेग्रेंस जो है सारे ही चला जाता है। बट ये जो है ना बॉडी मिस्ट जो है ना हम पूरा बॉडी के ऊपर पूरा लगाते हैं ना, तो बहुत टाइम के लिए ये रहता है एंड
फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है एंड बॉडी में बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग भी ये फील करता है एंड बहुत ये फ्लावरी फ्लावरी जो स्मेल है ना ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत टाइम के लिए रहता है तो यही सबसे अच्छा बात है। एंड इसमें से ना इतना ज्यादा स्वेटिंग भी नहीं होता है बॉडी में, बहुत ये ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन जो है ये गुड वाइब्स का कंट्रोल सिट मास्क, ये है लोटस फ्लेवर का, ये है जैसे कि आप देख सकते हैं लोटस वेरियंट का ये है। मैंने तो आपको जो भी सारे प्रोडक्ट दिखाए ये सारे ही ऑयल कंट्रोल का ही है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हमारा समर में क्या होता है ना हमारा फेस में बहुत ज्यादा ही ऑयल रिक्रिएशन होता है तो इसके लिए हम हमारा फेस में क्या होता है ना ऑयल को सपोज हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना हमारा फेस बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाएगा, पिंपल हो जाएगा, अक्नी हो जाएगा, ये सारे ही हो जाएगा तो इसके लिए हमको ऑयल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑयल को कंट्रोल करने के लिए मैं और भी एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, और भी एक इसेंशियल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये जैसे कि सिट मास्क है, ये बहुत ज्यादा ही ये अच्छा होता है। समर में क्या होता है ना नाइट में बहुत ज्यादा ही गर्मी लगता है, सोने से पहले सपोज आप इसको यूज करेंगे ना इतना अच्छा नींद आएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप सिट मास्क लगा सकते हैं जो भी ब्रांड का आप लगा सकते हैं बट ऑयल कंट्रोल का ही होना ही चाहिए। ओके, मैंने जैसे कि आपको दिखाया मेरे पास है गुड वाइब्स का तो इसलिए मैंने आपको गुड वाइब्स का दिखाया, आपके पास जो भी ब्रांड का है आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि सिट मास्क जो है समर में बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। नेक्स्ट वन जो प्रोडक्ट है ये पर्पल का लिप बाम ये है एंड इसमें से SPF भी इसमें 30 या फिर 15 ये इसमें है एंड मैं लगा के इसको पूरा खत्म ही कर दिया हूँ आप जैसे कि देख सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि हम तो सारे जगह को बॉडी को हो फेस को हो सारे को तो हम सन से प्रोटेक्शन कर लेते हैं बट हमारा लिप को क्या करते हैं कुछ भी नहीं, ऐसे ही हम जो भी लिप बाम या फिर जो भी लिपस्टिक लगा के चले जाते हैं। बट हम लिपस्टिक लगाने से पहले सपोज हम ये वाला लिप बाम लगाएंगे ना सन प्रोटेक्शन वाला SPF वाला तो हमारा लिप कुछ भी ब्लैक जो ब्लैक पिगमेंटेशन होता है ये सारे कुछ भी नहीं होगा, लिप में बहुत ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइज भी करेगा एंड लिप में ब्लैक ब्लैक जो टैनिंग भी जो पड़ता है वो भी नहीं होगा तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपके पास जो भी ब्रांड का है SPF वाला लिप बाम आप इसको जरूर ही यूज करें। गाइस 13 ऑलरेडी मैंने दिखा दिए है 13 प्रोडक्ट, 14 में जो आता है मैं आपको दिखाती हूँ ये है मिनीसो का आई मास्क जेल ये है। तो एक्चुअली क्या होता है ना समर में हो या फिर आप बाहर कहाँ पे भी जाते हो ना ट्रैवल वगैरह करते हो तो सन का जो रेज है बहुत ज्यादा ही पड़ता है तो उस वजह से हमारा आई पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये जो है ना आई मास्क ये है। तो आप जहाँ पे भी जाते हो सबसे पहले ना इसको लगा सकते हैं ऐसे करके या फिर इसके अंदर ना एक जेल है ओके ना आप फ्रिज में रख के फ्रीजर करके ऐसे इसके अंदर डाल के ना आप लगा सकते हैं इसको ताकि आईज जो है बहुत ज्यादा कूलिंग लगेगा एंड आईज के ऊपर जो पैची पैची जो ऐसे दिखता है या फिर नींद नहीं आता है आपको तो इसमें से बहुत ज्यादा कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा, रिफ्रेशिंग भी प्रोवाइड करेगा आपको एंड नींद भी बहुत अच्छे से आ जाएगा समर में। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ज्यादा इसेंशियली है, आपके पास नहीं है तो आप इसको जरूर ही परचेज कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये आपको काम की चीज ही आएगा। आप बाहर जाओ या फिर घर में रहो जहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने तो इसको ले लिया हूँ बहुत अच्छा लग रहा है ये। 14 प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, लास्ट वन जो है 15 नंबर में एक्चुअली ऑयल अब्जॉर्बिंग सीट है। जैसे कि हम समर में मेकअप करते हैं कहाँ पे भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो फेस में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, इसकी वजह से ना हमारा मेकअप जो है बहुत टाइम के लिए नहीं रहता है, बहुत खराब भी हो जाता है। तो ये जो सीट है ना मिनीसो से लिए थे तो ये सीट ना आप सपोज यूज करेंगे आप ऑयल होगा तो उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लगा देंगे ताकि आपकी जो भी ऑयल है ये सारे ऑब्जर्व हो जाएगा एंड आपकी मेकअप जो है बहुत टाइम के लिए रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है ना एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। ये तो सारे जो मैंने आपको दिखाया ये सारे ही बहुत ज्यादा ही अच्छा है, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये यूजफुल है इसीलिए मैंने आपको आज शेयर किया हूँ। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है एंड सबसे कौन सा यूजफुल लगा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारे का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप जाके इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। गाइस इतना ही था आज का मेरा ये वाला ब्लॉग, आपको कैसा क्या लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बी हैप्पी एंड बी सेफ।